वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉरवर्ड बायसिंग या पीएन जंक्शन, अगर कोई हम लोगों के पास प्यारे बच्चों पीएन जंक्शन है और उस पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग से रिलेटेड कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है यार, ये हमारे पास प्यारा सा डायोड है और ये डायोड ये प्लस है और ये माइनस है। फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो प्लस वाला है, दिस प्लस इज कनेक्टेड टू दिस, ये प्लस वाला प्लस से कनेक्टेड होता है और ये माइनस वाला माइनस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आप एक एक ऑप्शन चेक करो। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्टेड टू पी साइड, चलो भाई सही है भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। एंड डिप्लीशन रीजन बीकेम थीक, ओहो ये वाला भी बनाना पड़ेगा ऐसे, ये वाली जो है ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो इसको अगर तुम प्लस से कनेक्ट कर दिए और इसको तुम माइनस से कनेक्ट कर दिए, तो आप थियरी में पढ़े होगे कि इसमें जो है वो ये प्लस वाले ज़्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यहाँ काम करती है कि जो डिप्लेशन लेजर है वो थीन हो जाती है, ठीक है। थीन भाई दो, एक तो डिफ्यूजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है और एक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, वो दोनों मिला के कुल मिला के इस डिप्लेशन रीजन को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, थीन कर देते हैं। और जब कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो इतनी थीन हो जाती है कि रेजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि अच्छा खासा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आइडियल केस में रेजिस्टेंस जीरो लेते हैं इसका, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझने का तरीका, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस प्लस पुश करेंगे और प्लस माइनस ऐसे, ये माइनस निगेटिव टर्मिनल और ये प्लस निगेटिव टर्मिनल, ये मेजोरिटी होल करेंगे तो डिप्लीशन लेयर थीन हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, ये तो बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी निगेटिव से नहीं कनेक्ट होगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, ये तो बिल्कुल गलत है यार। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लीशन लेजर बीकेम थीन, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेजर थीन हो जाता है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेजर ठीक हो जाता है। पूरी रामायण कहानी बहुत डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ थियरी में।